हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आज पूरा सिवान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे की शादी में बिज़ी है, इस मौके पे मैं आप सब के साथ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का वो वीडियो, वो रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगी, आप सबको दिखाना चाहूँगी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर क्विंट ने उस वक्त बनाई थी जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को बेल पर छोड़ा जा रहा था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसे आप इग्नोर करें और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें और देखें कि उस वक्त सिवान की जनता कितनी खुश थी जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को रिलीज़ किया जा रहा था। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हम खुश हैं, गांव खुश है, जवार खुश है, पूरा एरिया खुश है। मैं क्या बोलूँगा, पूरा पटना से लेके और यहाँ तक सभी लोग खुश हैं। किसी से पूछिए, यहाँ पर 11 साल के बाद हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आ रहे हैं और विकास पुरुष हैं, वो उनका कहना ही कुछ अलग है। बैकडोर पॉलिटिक्स हमने किया ही नहीं है कभी। बैकडोर पॉलिटिक्स का तो आपको 11 साल कम गिने हैं, हम अपने गांव 13 साल बाद जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये कौन है। और सिवान में 22 लाख लोग रहते हैं, एक आदमी किसी को, सब आदमी को आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। आपने ट्रायल प्रारंभ क्यों नहीं कराया? अगर ट्रायल प्रारंभ भी हो गया होता तो शहाबुद्दीन को बेल नहीं मिला होता। तो नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन को मदद करने के लिए उस केस का ट्रायल प्रारंभ नहीं कराया। कि राजनीतिक हलचल से ज्यादा जो एक आपराधिक हलचल जो शुरू होगी, चिंता का विषय वो है। जिस तरीके से भय खौफ का माहौल पहले से ही शुरू है, उनके समर्थकों ने पोस्टर जैसे लगाए हैं लोगों को डराने के लिए कि टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक, किस तरीके का संदेश ये लोग देना चाह रहे हैं, किस तरीके का भय का माहौल राजद के नेता जनता के बीच में फैलाना चाह रहे हैं, इसका बेहतर जवाब वही दे सकेंगे। जुडिशरी किसी से इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से सुशील मोदी जी को जुडिशरी पे विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, ये तो अवमानना नहीं करनी चाहिए। अमित शाह जी को जिस हिसाब से अक्विटल मिला, तो क्या बीजेपी के लोगों ने अक्विटल दिया या कोर्ट के लोगों ने अक्विटल देने का काम किया है? जबरदस्ती का भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, जो कि जो दौर था वो चला गया है, ये नया दौर आया है, ऐसी कोई बात। ये वीडियो क्विंट की तरफ से बनाया गया था जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को जेल से कुछ दिनों के लिए रिलीज़ किया जा रहा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।